हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर न्यू वीडियो। तो आज हम कोई जर्सी डिज़ाइन नहीं करूँगा, आज लिस्ट करने वाला हूँ जो कि प्रॉपर वे में आप कैसे लिस्ट करोगे। तो आज के वीडियो स्पेशली मेरे डीका भाई के लिए, जिन्होंने मुझे पूछा कि कैसे लिस्ट, कैसे जर्सी को प्रॉपर वे में लिस्ट करने हैं। तो पहले वीडियो की स्टार्ट करने के पहले मैं बताता हूँ कि आपको जो जर्सी आपको डिज़ाइन लिस्ट करने है, उस जर्सी को आप पहले अच्छे तरीके से ग्रुप कर लीजिए। दैट्स मीन फ्रंट पार्ट को अच्छे से ग्रुप करने के बाद आप सेकेंड बैक पार्ट को ग्रुप कर लीजिए अच्छे से, ताकि कोई लोगोस कोई छूट ना जाए। दैट मीन्स पहले कंट्रोल जी प्रेस करके आप फ्रंट पार्ट को ग्रुप कर लीजिए अच्छे से, फिर बैक पार्ट को, एंड हाथे स्लीव, दैट मीन्स स्लीव, राइट स्लीव और लेफ्ट स्लीव को आप अच्छे तरीके से ग्रुप कर लीजिए। फिर हम जो क्लाइंट लिस्ट दिया है हमको, उस लिस्ट को हम साइज़ बाय साइज़ अलादा करेंगे। दैट मीन्स एक्सेल साइज़ को एक्सेल साइज़ की लाइन में अलादा करेंगे, एम साइज़ को एम साइज़ की लाइन में अलग करेंगे, एंड ऑल्सो एल साइज़ को एल साइज़ की लाइन में अलग करेंगे। तो मैं जैसे लिस्ट कर रहा हूँ ऐसे आप बहुत ही अच्छे से लिस्ट कर पाओगे। पहले कि फ्रंट साइड को आप रोटेट करोगे, रोटेट करके उस बैक साइड के ऊपर ऊपर ऐसे दिया, आप अल्टा प्रेस करके दूसरी जर्सी आप क्रिएट करोगे। फिर आप पहली नेम को आप कॉपी करोगे, कॉपी करके हमारे जर्सी में जो नेम है उसमें पेस्ट करोगे। पेस्ट करके मैं इसकी साइज़ दूंगा नेम के लिए 10x3.5 और नंबर के लिए आप 10x14 और 13 देकर हम दूसरी जर्सी में जाएंगे। तो दूसरी जर्सी में भी हम उसका नेम कॉपी करके पेस्ट करेंगे जर्सी के नेम पर, एंड ऑल्सो नंबर भी दे देना है। फिर हमको हमारा एक काम है जो है कि आपको एक बार रिवाइज करना होगी कि हमारा जो लिस्ट में नाम नंबर है वो हमारा जर्सी में ठीक है कि ना। जो तो फिर ठीक है, फिर और एक रिवाइज करनी होगी जी कि हमारा जर्सी का जो साइज़ है वो साइज़ टैग ठीक है कि ना, साइज़ ठीक है कि ना। दैट मीन्स हमारा जो एक्सेल साइज़ है, एक्सेल साइज़ का साइज़ है 22.2 और बाई 31। अगर आपको साइज़ चार्ट चाहिए कि आप कैसे प्रिंटर में साइज़ डालोगे, जो आपको स्विंग के बाद आपको बॉडी का साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर मुझको कमेंट में बोलो। और मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा हूँ, वह आप मेरी व्हाट्सएप पे आप जो जाके पूछो कि मुझको साइज़ चार्ट चाहिए जो आप आपके लिस्ट करने में यूज़ करते हो। तो हमारा एक्सेल साइज़ का काम हो गया। एक्सेल साइज़ हम सेव करूँगे ईपीएस फाइल में। ईपीएस फाइल में सेव करके हम उसको वहाँ से एक कॉपी करके हम एम साइज़ के लिस्ट करूँगा। इसके लिए एम साइज़ के यहाँ पर लेकर आया हूँ। सो एम साइज़ का साइज़ देने के बाद हम साइज़ टैग भी दे देना है कि एम साइज़, और हमारा एम साइज़ का साइज़ है 20.7x29.3। ये साइज़ देने के बाद हमारा चेक कर लेना है कि हम एक्सेल साइज़ को, साइज़ टैग को कन्वर्ट किया है कि ना जो एम साइज़ में। देन हमें यहाँ पर नाम नंबर भी सही तरीके से देना है। हमारे यहाँ पर दो जर्सी है एम साइज़ का, तो एम साइज़ का दो जर्सी में हम अच्छे सही तरीके से नाम नंबर भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लाइक देना। और हमारे यहाँ पर जो साइज़ में साइज़ है एम साइज़ का दो जर्सी, इसमें आपको फिर भी एक रिवाइज़ कर देना है कि यहाँ पर नाम नंबर भी ठीक है कि ना। ओके, हमारा यहाँ पर ठीक है, तो हम इसको भी सेव कर देंगे कंट्रोल एस प्रेस करके। कंट्रोल एस प्रेस करके एक इंटर एक बॉक्स आएगा वहाँ पर। मेरे यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर में वो नहीं दिखा रही है इसलिए, लेकिन एक इंटरफेस आएगा जो जिसको सेव करने के लिए बोलता है। तो वहाँ पर ईपीएस फाइल चूज़ करके आप एक सेव कर देना है।
तो वहाँ पर एम साइज़ की एक कॉपी करके हम यहाँ पर एल साइज़ के न्यू पेज में लेकर एम एल साइज़ करेंगे। तो एम साइज़ के एक बॉडी कॉपी करके हम यहाँ पर ले आया एंड इसको भी साइज़ करेंगे। पहले साइज़ में हमारा एल साइज़ में है 21.2 एंड लॉन्ग में है 29.3 और 30। तो यूजली मैं 30 यूज़ करता हूँ यहाँ पर। तो आप जब भी साइज़ करोगे, लेकिन आपको ध्यान रहे कि साइज़ टैग आपको ठीक है कि नहीं, साइज़ टैग भी चेंज करके अब एम साइज़ को एल साइज़ में कन्वर्ट करना है। फिर हम यहाँ पर कॉपी करेंगे अल्टर प्रेस करके, अल्टर प्रेस करके कॉपी करके यहाँ पर एल साइज़ की हम दोनों लिस्ट करेंगे, वो भी सही तरीके से। तो यहाँ पर एक बात करता हूँ कि आपकी कोई कस्टम जर्सी डिज़ाइन होगी जो कि ना आपके नाम नंबर से आप चाहोगे, और आपकी कस्टम कोई डिज़ाइन, आपकी कस्टम आपकी मनपसंद कोई भी डिज़ाइन आप हमको दोगे, तो हम उसका डिज़ाइन करके आपको AI फाइल और EPS फाइल प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके लिए मेरे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करिए, ऊपर मेरे नंबर दे रखा है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट करें। तो हमारा जर्सी का बॉडी लिस्ट करना ख़त्म हो गया, तो अब हम जर्सी के स्लीव लिस्ट करेंगे। दैट मींस कितने फुल स्लीव है और कितने हाफ स्लीव है वो टोटल करके हम पहले स्लीव को डेकोरेशन करेंगे। कि हमारा जो प्रिंटर का पेपर साइज़ है, 64x64 हमारा जो आर्टबोर्ड है यहाँ पर इलस्ट्रेटर में, तो हमारा प्रिंटर में कि विथ 64 ही आती है। तो उसके हिसाब से हम कितने स्लीव वहाँ पर सजाएंगे वो देखने, पहले 3 स्लीव यहाँ पर लेकर हम टोटल करेंगे। तो टोटल करके हम हमारा 63 आएगा। तो ऐसे हम फुल स्लीव को डेकोरेशन करेंगे। और यहाँ पर जो साइड में जो गैप रहती है, यहाँ पर हम सॉलिड देकर सॉलिड यूज़ करते हैं। जो हाथा गाले गोलगोला हो तो गोलगोला के वहाँ पर सॉलिड यूज़ करते हैं, और कॉलर हो तो फिर कॉलर में भी सॉलिड यूज़ कर जाती है। यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि मेरा नेटिव लैंग्वेज तो बांग्ला है, लेकिन मेरे जो इस वीडियो स्पेशली मेरे जो इंडियन व्यूअर्स है उनके उन सब के लिए जो कि ना प्रॉपर वे में लिस्ट करना नहीं आती है, और आप लिस्ट कर रहे हो तो फिर कोई भी लोगो छूट जा रहा है उन सब के लिए। तो इस तरीके से आप जब लिस्ट करोगे तो फिर कोई भी लोगो नहीं छूट जाएगा, कोई भी डिस्टर्बनेस फील नहीं होगी आपको। तो इसका मेन रीज़न है कि आप पहले सब ग्रुप कर लीजिए पहले। तो हमारे यहाँ पर लिस्ट में हाफ हाफ स्लीव एक ही है, तो फिर हम एक हाफ स्लीव टोटल डेकोरेशन करके एक स्क्रीनशॉट लेनी है हमारी जो लिस्ट में, और स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, और स्क्रीनशॉट को आप रोटेट कर देना है। ओ प्रेस करके, डबल एंटर प्रेस करके भी आप रोटेट कर फ्लिप कर देनी है कि प्रिंटर में जब निकलेगी फिर वो सीधी तरीके से आएगा।
तो इसका उल्टा करके ऐसे देना है। तो हमारा हाफ स्लिप भी लिस्ट करना ख़त्म हो गया, तो हाफ स्लिप को भी हम सेव कर देंगे। सेव करके हमारा जो लिस्ट पूरी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया लिस्ट करना। तो ऐसे लिस्ट करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।